अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं, टोयोटा करोला GLI 2013 मॉडल। लेकिन पहले मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देता हूं। अभी हम आए हैं मर्दान, और मर्दान के अंदर काफ़ी एक फेमस शोरूम है जहां पर आपको एंटीक किस्म की गाड़ियाँ मिलती हैं। और ये हमारे प्यारे भाई हैं अवैस मोहम्मद। तो अभी हम इन गाड़ियों का रिव्यू करेंगे, और ये इसके ओनर, उनसे पूछेंगे कि इनके पास कौन कौन सी गाड़ियाँ अभी अवेलेबल खड़ी हैं। और लोकेशन वगैरह मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर दे दूंगा, और शोरूम का मैं नाम नीचे आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, कार हब शोरूम का नाम है मर्दान। और अगर हम इधर से उतरें, इंटरचेंज कौन सा भी आ रहा है, रशा का ही इंटरचेंज है, वहाँ से उतरेंगे तो टोटल आगे आपको 5 किलोमीटर का रास्ता है, दो तीन किलोमीटर का रास्ता है। और डिटेल वाइज इंफॉर्मेशन मैं नीचे दे दूंगा। तो ये कौन सा मॉडल है? ये 2013 मॉडल जी हल आई है। और इसका मतलब है कि ये गाड़ी पर जैनवान है, इसमें कोई टचिंग नहीं है। अच्छा, और ये 51,000 किलोमीटर चली हुई है। अच्छा, और आप मतदान का नंबर लगा हुआ है। अच्छा, और हम एंटीक गाड़ी का काम करते हैं। आपको वो तो मैंने आज कार्ड में बता दी है कि यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ पीछे स्पोर्ट खड़ी हुई है, निसान 350 गाड़ी है, काफ़ी कमाल की गाड़ी है। ये आ गई 2012 मॉडल, और ये भी काफ़ी वाइट कलर के अंदर, टोटल जेनियन है। अभी इंशाल्लाह टाइम वेस्ट नहीं करते और इसका इंटीरियर रिव्यू करते हैं, और इन बाइक के बीच गुजारों के जो उन्होंने अपना टाइम दिया। ठीक है, टोयोटा करोला GLI और 2013 मॉडल, काफ़ी नीट एंड क्लीन गाड़ी है। और अभी इंशाल्लाह इसका डिटेल वाइज रिव्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले अगर इसकी फ्रंट बॉनेट की बात की जाए, बॉनेट आपको इसका काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल जाता है, पूरी गाड़ी आपको टोटली जेन्युइन मिलती है। अगर इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए बम्पर की, तो बम्पर आपको काफ़ी नीट एंड क्लीन मिलता है। मिडल में आपको मिल जाता है इसका टोयोटा का लोगो क्रोम कलर का, साइड में आपको इसकी ब्लैक कलर की हार्ड प्लास्टिक की बेजिंग भी दी जाती है। इसकी अगर हेडलाइट फ्रंट की बात की जाए, जिसके अंदर आपको इंडिकेटर फ्रंट आपको लोहे बीम का बल्ब मिल जाता है, और काफ़ी ग्लासेस नुमा लाइट्स हैं, और काफ़ी नीट एंड क्लीन है। ठीक है, नीचे अगर इसके बम्पर की बात की जाए, तो हार्ड प्लास्टिक का आपको बम्पर मिलता है, जहाँ पर आपको फॉग लाइट्स का ऑप्शन मिलता है, लेकिन आपको फॉग लाइट्स नहीं दी जाती, जस्ट हार्ड प्लास्टिक का कवर दिया जाता है। फ्रंट के अंदर आपको मिल जाती हैं जी इसकी हार्ड प्लास्टिक की ग्रिल, और ये आगे इसका कार शोरूम का आपको पूरा एक लोगो मिल जाता है। नीचे इसकी नंबर वगैरह और लोकेशन वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाती है। ये आगे इसकी फ्रंट की प्रोफाइल। अब बात कर लेते हैं जी इसकी फ्रंट स्क्रीन की। फ्रंट स्क्रीन आपको काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल जाती है, यहाँ पर आपको ज़रा सा स्क्रैच मिलता है फ्रंट स्क्रीन के ऊपर, लेकिन इसके अलावा बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ठीक है, इसके अगर फिंडर की बात की जाए, तो फिंडर आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिल जाता है, यहाँ पर आपको मिल जाता है VVTi का लोगो। और साइड मिरर की बात की जाए, ये आपको मिल जाते हैं जी इसके इलेक्ट्रिक, जिसके अंदर आपको मिल जाते हैं जी इंडिकेटर वगैरह आपको मिल जाता है, अंदर से ये एडजस्टमेंट वगैरह है। ठीक है, अगर फ्रंट विंडो की बात की जाए, विंडो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, इसके हैंडल्स आपको मिल जाते हैं जी हार्ड प्लास्टिक के, और इसके जो पैनल्स हैं वो आपको मिल जाते हैं जी ब्लैक। ठीक है, ब्लैक की आपको इसकी ट्रिमिंग भी दी जाती है। बैक साइड की स्क्रीन भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, यहाँ पर आपको टोयोटा की बेजिंग भी दी जाती है। ठीक है, और बैक साइड की विंडो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। अब इसके नीचे फिनबोर्ड की बात की जाए, तो फिनबोर्ड इसका बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कहीं से भी आपको डैमेज नहीं मिलता। इसके बैक के बात कर लेते हैं जी फिंडर की, तो फिंडर इसका आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिल जाता है। इसकी रूफ़ की भी बात कर लेते हैं, रूफ बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कोई स्क्रैच कोई डंट वगैरह आपको नहीं मिलता, बिल्कुल ग्लासेस नुमा इसके ऊपर आपको पेंट मिल जाता है। अब चले जाते हैं जी इसकी बैक साइड की स्क्रीन की जाने, तो बैक साइड की स्क्रीन इसकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, इसके अंदर आपको ABS ब्रेक मिल जाती हैं, उसका लोगो भी आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये आगे इसका बैक साइड का ट्रंक की मिडल में आपको मिल जाता है जी क्रोम का आपको लोगो मिल जाता है, काफ़ी शाइनिंग। राइट की जानेब आपको करोला GLI का आपको लोगो दिया जाता है। ठीक है, और लेफ्ट की जानेब आपको टोयोटा का बेजिंग दी जाती है। मिडल में हार्ड प्लास्टिक का आपको ट्रंक के ऊपर कवर मिल जाता है, यहाँ पर लॉक एंड लॉक का आपको स्विच भी दिया जाता है, और नीचे वही मैंने आप लोगों को बता दिया कार हब शोरूम का नाम है, यहाँ पर आपको अब ये अवेलेबल गाड़ी मिल जाएगी। इसकी अगर टेल लाइट की बात की जाए, टेल लाइट्स आपको मिल जाती हैं काफ़ी नीट एंड क्लीन। मिडल में ट्रंक के अंदर आपको रिवर्स लाइट, और यहाँ पर आपको इसकी छोटी लाइट्स दी जाती हैं, इंडिकेटर, और आपको LED ब्रेक लाइट आपको दी जाती है। ठीक है, और काफ़ी नीट एंड क्लीन लाइट्स हैं। नीचे अगर इसकी बम्पर की बात की जाए, तो बम्पर आपको काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल जाता है, यहाँ पर आपको छोटी लाइट्स दी जाती हैं, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ये
ये आगे इसकी बैक साइड की प्रोफाइल। आप चले जाते हैं जी इसके लेफ्ट साइड की फिंडर की जाने, और लेफ्ट साइड के ऊपर आपको इसका फ्यूल का मिल जाता है, और लेफ्ट साइड का फिंडर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। अब बात कर लेते हैं जी इसकी लेफ्ट साइड की विंडोज़ की, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कोई स्क्रैच वगैरह आपको नहीं मिलता। बैक साइड का आपको फिंडर बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिल जाता है, और काफ़ी नीट एंड क्लीन है। जस्ट यहाँ पर आपको ज़रा सा स्क्रैच मिलता है, इसके अलावा पूरी गाड़ी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। इसकी लेफ़्ट साइड की फ्रंट विंडो की बात की जाए, वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ये आगे इसकी साइड मिरर। अब बात कर लेते हैं जी इसकी लेफ़्ट साइड की फिंडर की, तो इसका ये आ गया लेफ्ट साइड की फिंडर। यहाँ पर जस्ट यहाँ पर दो स्क्रैच आपको मिलते हैं, ठीक है, छोटे छोटे, बहुत ही मामूली से हैं, लेकिन इनको छेड़ा इसलिए नहीं गया क्योंकि ये गाड़ी 30 गाड़ी हैं। अगर इसके ऊपर टचिंग आ जाती तो फिर गाड़ी का ज़रा सा, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, ठीक है। और ये आगे इसकी फ्रंट प्रोफाइल। अब चले जाते हैं जी इसके अंदर इंटीरियर की जाने, और ये आगे इसका अंदर से इंटीरियर। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले अगर इसकी फ्रंट विंडो की बात की जाए, इसके अंदर आपको मिल जाता है ये हार्ड प्लास्टिक का कवर, ऊपर आपको इसका मिल जाता है ब्लैक, नीचे आपको इसका आपको क्रीमी कलर का आपको इसका मिल जाता है। यहाँ पर छोटी सी आपको रिजीन दी जाती है हार्ड प्लास्टिक, यहाँ पर आपको इसके ओरिजिनल स्पीकर दिए जाते हैं। अगर इसकी विंडोज़ की बात की जाए पावर बटन की, इसके अंदर आपको फ्रंटल ऑटो, 3 मैनुअल, लॉक अनलॉक का इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है। इसकी मैं आपको सील भी दिखा देता हूँ, सील इसकी बिल्कुल फर्स्ट क्लास गाड़ी माशाल्लाह। और ये आगे इसके विंडोज़ के अंदर मिडम में आपको इसका हार्ड प्लास्टिक का मिल जाता है जी कवर, पिन बोर्ड के अंदर आपको ऊपर पैनल्स के ऊपर आपको मिल जाता है, देख लें माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये आगे इसकी सीट्स, यहाँ पर इसके एडजस्टमेंट वगैरह, यहाँ पर आपको ट्रंक एंड फ्यूल का दिया जाता है। इसकी सीट को मैं पीछे करता हूँ। अब चलते हैं जी इसकी स्टेयरिंग की जानेब, और ये आगे इसके स्टेयरिंग काफ़ी नीट एंड क्लीन है। मिडम में आपको टोयोटा का लोगो, हॉर्न का बटन, और ये आपको लेदर की स्टिचिंग दी जाती है। इसके अंदर आपको स्पीडोमीटर की बात की जाए, आरपीएम मीटर है, स्पीडोमीटर है, और इसकी ओरिजिनल 51,000 इसकी ओरिजिनल किलोमीटर चली हुई है। यहाँ पर लाइट्स के डिफरेंट ऑप्शन दिए जाता है। ये आगे इसके जी हार्ड प्लास्टिक का डैशबोर्ड मिलता है आपको। मिडम में आपको क्रोम की भी एक ट्रिमिंग सी दी जाती है दोनों तरफ। मिडम में डबल इंडिकेटर का बटन, एसी की मिनट्स, MP3 सिस्टम वगैरह, और एसी की एडजस्टमेंट के आपको बटन मिल जाते हैं। फिफ्थ भी आपको इसके अंदर मिल जाती है मैनुअल गाड़ी, और यहाँ पर आपको छोटे से बॉक्स भी दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिग्नल लाइटर का, और यहाँ पर भी आपको 2-3 ग्लासेस वगैरह रखने के लिए आपको ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। और स्पेस वाइज गाड़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त है। यहाँ पर अगर बात की जाए टोयोटे की बेजिंग दी जाती है, क्रीमी कलर का आपको इसके अंदर डैशबोर्ड मिलता है, जिसके अंदर आपको 2 बॉक्स दिए जाते हैं, एक नीचे की जानेब और एक ऊपर की जानेब, ठीक है। और अंदर से भी गाड़ी जिस तरह बाहर से मैंने इंटीरियर आपको एक्सटीरियर दिखाया, इसी तरह अंदर से भी इंटीरियर काफ़ी नीट एंड क्लीन है। और सीट्स आपको इसकी मिल जाती हैं फोमिंग वाली मिलती हैं रिक्जीन की आपको, और काफ़ी अच्छी इसके ऊपर बेजिंग सी की गई है, ठीक है। ये आगे इसका लेफ्ट साइड का विंडोज़ वगैरह आप देख लें, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। अगर इसकी रूफ़ की बात की जाए तो यहाँ पर मैडम में आपको लाइट्स दी जाती है, और यहाँ पर आपको ग्लास नहीं दिया जाता, लेकिन अगर इसकी लेफ़्ट साइड की बात की जाए तो यहाँ पर आपको इसका थोड़ा सा छोटा सा मिरर भी दिया जाता है, ठीक है। और काफ़ी नीट एंड क्लीन है इसका। अब चलते हैं जी इसके बैक साइड की जाने, और ये आगे इसकी बैक साइड की, ठीक है। और यहाँ पे इसकी विंडोज़ वगैरह काफ़ी नीट एंड क्लीन है, सील वाइज गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ से भी देख लें। और यहाँ पर आपको इसके अंदर मिल जाता है जी आर्मरेस्ट, और जिसके अंदर आपको आप ग्लास वगैरह रख सकते हैं। अगर आप किसी लॉन्ग ड्राइव के ऊपर जाते हैं तो आप ग्लासेस वगैरह पानी के या कॉफ़ी वगैरह रखना चाहें तो उसके लिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, 2013 मॉडल के अंदर। और बैक साइड की सीट के ऊपर आपको 2 सीट बेल्ट मिलते हैं, और स्पेस वाइज गाड़ी भी ज़बरदस्त है माशाल्लाह, ठीक है। और ये आगे इसका इंटीरियर। अब बात करते हैं जी इसके इंजन रूम की, यहाँ पर मिल जाते हैं आपको साइड मिरर कंट्रोल करने के बटन। देखते हैं जी इसके इंजन की, ये आगे इसका इंजन रूम काफ़ी नीट एंड क्लीन है माशाल्लाह। ये आगे इसका बॉनेट काफ़ी नीट एंड क्लीन, यहाँ पर इसके वॉशर के पाइप दिए गए हैं ओरिजिनल जो आया करते थे, और यहाँ से अंदर से इसका अंदर से देखें काफ़ी नीट एंड क्लीन माशाल्लाह ज़बरदस्त। और
सीन वाइज गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर इसके अंदर अच्छी नई बैटरी डाली गई है और इंजन आपको मिल जाता है जी VVT i 1300 cc इंजन आपको मिलता है और काफ़ी नीट एंड क्लीन है। और पहले मैं आपको इसकी ट्रंक की सील दिखा देता हूँ, बिल्कुल परफेक्ट। और ये आगे इसका ट्रंक काफ़ी नीट एंड क्लीन। और यहाँ से नीचे से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अंदर से इसका, माशाल्लाह ज़बरदस्त। इसकी आगे ओरिजिनल स्टेपनी ब्रांड न्यू, इसके अंदर टायर पड़ा हुआ है, ठीक है। और स्पेस वाइज गाड़ी ज़बरदस्त है। अगर आप इसके अंदर बैग रखना चाहें, लगेज स्पेस की बात की जाए, इसके अंदर आप 4 बड़े बैग रख सकते हैं। अगर आप छोटे रखना चाहें तो आप 5 छोटे हैंड बैग इसके अंदर रख सकते हैं। और अंदर से गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है माशाल्लाह। अब इसकी मैं आपको टायर की कंडीशन बता देता हूँ। और इसके अंदर आपको सादा रंग मिलते हैं ब्लैक कलर के, जो ओरिजिनल आया करते थे। इसके अंदर आपको ऊपर हार्ड प्लास्टिक का कवर, टोयोटा का आपको व्हील कप मिल जाता है। और टायर्स यहाँ इसकी साइज़ वगैरह आप लोगों को मैं इसके दिखा देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर ब्रांड न्यू टायर्स हैं। अगर ब्रांड टायर्स की कंडीशन की बात की जाए तो बिल्कुल आपको ब्रांड न्यू टायर्स मिलते हैं और आपको ये आफ्टर मार्केट चेंज नहीं करने पड़ेंगे। और माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो टोयोटा कोरोला 2013 मॉडल GLI का काफ़ी नीट एंड क्लीन। उम्मीद है कि आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा होगा। इसकी अगर आप डिमांड की बात की जाए तो इसकी अभी 22 लाख फाइनल डिमांड बताई गई है। और अगर डिमांड की बात की जाए तो आप लोग कहेंगे यार इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन गाड़ी भी तो ठीक है यार। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अपने भाई की दीजिए सलाम, टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।